रेवती थाने के दुर्जनपुर गांव में जो दुर्भाग्यपूर्ण हत्याकांड हुआ था उसके मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को लखनऊ से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, ऐसी सूचना मिली है। पुलिस उसको लखनऊ से लाएगी। इसके अलावा इस हत्याकांड में कुल नामजद 8 आरोपी थे, जिनमें से 2 को पुलिस ने घटना के अगले दिन गिरफ्तार कर लिया था। शेष बचे 6 अभियुक्तों में से 3 की गिरफ्तारी आज हुई थी। इन सभी 6 अभियुक्तों पर मेरे द्वारा परिक्षेत्र स्तर से 50,000 का पुरस्कार 2 दिन पहले किया जा चुका था। आज बलिया पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता सुबह सुबह पाई। उन्होंने हत्याकांड के मुख्य 2 सहहत्यारोपियों संतोष यादव और अमरजीत यादव को बलिया कोतवाली क्षेत्र में गिरफ्तार किया। इसके पश्चात एसटीएफ ने इस तीसरे मुख्य हत्यारोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया। अब कुल मिलाकर के 8 नामजद हत्यारोपियों में से 5 हत्यारोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल 20 अज्ञात हत्यारोपियों में से 5 हत्यारोपी उसमें भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस प्रकार से उक्त घटनाक्रम में अब तक 10 कुल हत्यारोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस सुनिश्चित करेगी कि उक्त सभी हत्यारोपियों पर, जिनमें मुख्य हत्यारोपी मुख्य रूप से शामिल है, उनके ऊपर गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही की जाए। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत धारा 14(1) की कार्यवाही, जिसमें अवैध रूप से अर्जित परिसंपत्ति कुर्क की जाती है, उसकी भी कार्यवाही इन आरोपियों की जाए। मुख्य हत्यारोपी पर NSA भी अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। जो मुख्य आरोपी आखिर वो जिस तरीके से बलिया पुलिस पिछले 3 दिनों से उसे ढूंढ रही थी, कैसे वो लखनऊ तक पहुंचा, इसकी कुछ जानकारी? ये तो बहुत स्पष्ट सी बात है कि मुख्य हत्यारोपी के नीचे की जमीन इतनी गर्म थी कि वो भाग रहा था बार बार। बलिया पुलिस केवल बलिया में ही नहीं बल्कि समीपवर्ती स्टेट बिहार में भी लगातार बिहार पुलिस के भी टच में थी। लगातार वहां भी उसका सर्च ऑपरेशन जारी था। आसपास के जनपदों सहित हर जगह पर उसके खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी था। वो लगातार भागा भागा फिर रहा था और इसी कड़ी में उसकी गिरफ्तारी हुई। मैं फिर से इंश्योर करना चाहूंगा कि पुलिस ने इतना दबाव लगातार जो बनाए रखा है, उसी का परिणाम है कि अभी 5-8 में से गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी 3 भी आज शाम तक गिरफ्तार हो जाएंगे। जो मुख्य आरोपी है हीरेंद्र जी, उसकी क्या कोई आपराधिक छवि वाला व्यक्ति था, क्या था उसका कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है? मुख्य हत्यारोपी धीरेन्द्र का एक पिछले वर्ष का मुकदमा एरिया थाना क्षेत्र में प्रकाश में आया है, जिसमें उस समय के आपूर्ति निरीक्षक सप्लाई इंस्पेक्टर को उसने फोन पर धमकियां दी है। उस संबंध में बेरिया थाने पर अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें विधिक साक्ष्य एकत्रित करने के पश्चात उक्त प्रकरण में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी, जो मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। इससे स्पष्ट है कि ये व्यक्ति दबंग प्रवृत्ति का था। निश्चित रूप से अब इसकी पीछे की आपराधिक गतिविधियों सहित वर्तमान घटनाक्रम सहित सारे तथ्यों को देखते हुए ऐसी नजीर वाली कार्यवाही की जाएगी कि भविष्य में दूसरे लोग इससे नसीहत लेकर के अपराध कारित करने की संभावना से सोच करके भी काम उठे। तो सर, क्या उसे आज बलिया लाया जाएगा? बलिया पुलिस उसको लेने के लिए निकल चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि बलिया पुलिस को लखनऊ पहुंचने में जितना देर लगेगा, वहां से वो लेकर के बलिया निकल देगी कल सुबह तक या देर रात तक। तो यहाँ पर सुरक्षा के तौर पर क्या व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि रास्ते में जिस तरीके की लंबी दूरी है? इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुरक्षित तरीके से लाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी, और पूछताछ के पश्चात जो जिस बीपन का प्रयोग उसने किया है हत्याकांड में, उस बीपन को भी रिकवर किया जाएगा। कल सुरेंद्र सिंह विधायक जी लगातार ये कह रहे थे कि जो धीरेन्द्र सिंह का परिवार है उसके साथ भी मारपीट की गई, लेकिन पुलिस उनका मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है, तो इस पर क्या कहना? देखिए, सारे तथ्य स्पष्ट हैं। माननीय विधायक जी ने अगर कोई तथ्य दिए हैं तो उनका भी संज्ञान लिया जाएगा, जांच की जाएगी। जांच में जो तथ्य सही मिलेंगे उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन जितना घटनाक्रम स्पष्ट है पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने हुआ, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम था वहां पर बहुत सारे पुलिस कर्मचारी और SDO भी मौजूद थे, उन्होंने भी अपने बयान दिए हैं। उन सबके निलंबन की भी कार्यवाही शासन स्तर से सुनिश्चित की गई, क्योंकि उनके आगे घटनाक्रम हुआ था। तो उनके भी तथ्य हैं, वीडियो साक्ष्य हैं, सारे तथ्यों का, सारे साक्ष्यों का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षणों उपरांत जो भी सही तथ्य प्रकाश में आएंगे, उनके सारे तथ्यों को
विचार करके कार्रवाई की जाएगी। माननीय विधायक जी जो भी तथ्य संज्ञान में लाएंगे पुलिस गहनता से गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए उनकी जांच करेगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई। सर अंत में सिर्फ इस पूरे मामले में कितने नामजद थे, कितने अज्ञात थे और कितनी गिरफ्तारियां हैं? बस उक्त दुर्जनपुर हत्याकांड में कुल 8 नामजद हत्यारोपी और 20 अज्ञात हत्यारोपी थे। 8 नामजद हत्यारोपियों में से मुख्य हत्यारोपी सहित 5 हत्यारोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 20 अज्ञात हत्यारोपियों में से 5 अज्ञात हत्यारोपी सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर, वीडियो साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस प्रकार से कुल 10 हत्यारोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 नामजद हत्यारोपी और 15 अज्ञात हत्यारोपी अभी भी पुलिस के अपने परीक्षण के दायरे में है। 3 जो नामजद हत्यारोपी हैं, हम उम्मीद करते हैं शाम तक गिरफ्तार हो जाएंगे। बाकी 15 को वीडियो साक्ष्य को देखने के बाद, परीक्षण करने के पश्चात जो लोग उसमें हमलावर होंगे, आक्रामक होंगे, आइडेंटिफिकेशन करके उनकी गिरफ्तारी की जाए। सर गिरफ्तारी के लिए कितनी टीमें लगाई गई है? 1 दर्जन से अधिक टीमें लगातार कार्यरत है। मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूं कि आजमगढ़ परिक्षेत्र के सारे जनपदों की जो इस समय हमारी स्वाट टीम है, क्राइम ब्रांच टीम है, वो बलिया जनपद में ही है और लगातार कार्य।